मैं आपके माध्यम से श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहूंगा, वो खंडन करेंगे क्या इस बात की, निंदा करेंगे क्या इस बात की, नैतिकता है उसमें? ये बात हम जरूर पूछना चाहेंगे कि मणिशंकर अय्यर जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से सांसद थे, उनके राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था? शब्दों में यदि बोलूं क्या, भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे उसको, क्या कहना चाहेंगे? बहुत टंचमाल है, इतनी घृणित और गंदी भाषा महिलाओं के लिए तो देश में किसी ने उपयोग नहीं किया जितना इन भूपेश बघेल जी के राजनीतिक गुरु ने उपयोग किया। एक शब्द को राजनीति बनाने के, राजनीति करने का मतलब यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब वो बड़े चेहरे उदास बना के किसानों की बात कर रहे थे, भाई इसमें चिंतन नहीं किया, उसमें चिंतन नहीं हुआ। मैं तो बात करूंगा आज की तारीख में वर्षा नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों की यदि चिंता है भूपेश बघेल को, तो आज और अभी अकालग्रस्त घोषित करेंगे क्या? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार निर्मित अकाल है, किसान 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 बोल रहे थे, तो गांव में अघोषित बिजली कटौती को बंद करेंगे क्या? लोगों ने कही एक शब्द में 10 मंत्री यदि मैदान में उतरते हैं और एक विषय बोलते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस मैदान खो चुकी, कांग्रेस जड़ खो चुकी, कांग्रेस पहले चिंतन शिविर से हलाकान हो चुके, उनका आत्मविश्वास हिल गया और इसलिए छोटे से शब्द में 10 मंत्री मैदान में आ गए। मैं तो पूछूंगा बाकी 3 मंत्री क्यों नहीं आए मैदान में, जो ये फ्रैक्शन है, ये 10 मंत्री मेरे साथ है प्रेस वार्ता में, एक शक्ति प्रदर्शन है, विषय चाहे कुछ भी हो, वो शक्ति प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है, तो शक्ति प्रदर्शन अच्छा करना है तो इनको अपने विधायकों को ले जाना चाहिए। मैंडेट बोला है उन्होंने अपने बयान में कि हमारे पास 3/4 बहुमत है, तो 3/4 बहुमत का उपयोग सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए 2.5 साल बाद होने लगा। सांडों की लड़ाई देखने के लिए छत्तीसगढ़ ने 3/4 का बहुमत नहीं दिया, और सांड की लड़ाई इनको सिखाना है तो भूपेश बघेल जी को अपने विधायक दल को स्पेन ले जाना चाहिए, स्पेन का खेल है सांडों की लड़ाई, तो सबको सांड की लड़ाई सिखाने के लिए वहां ले जाए, दिखाएं 15 दिन रोके और सांड की लड़ाई उनको सिखाएं और छत्तीसगढ़ में दिखाएं कि कांग्रेस के सांड की लड़ाई कैसी है, पूरी तरह असफल। अब रवि चौबे जी कुछ बोल रहे थे, बस्तर के बारे में ये नहीं कहा, उसके बारे में ये नहीं कहा, उसके बारे में ये नहीं कहा, उसके बारे में ये नहीं कहा। मुख्यमंत्री बोल चुकने के बाद वो 9 जो बूथ हैं उनके किसी भी शब्द की कोई विश्वसनीयता नहीं है। भूपेश बघेल जी जब बोल चुके तो 9 लोग बूथ थे, शक्ति प्रदर्शन का जरिया था। तो ये एक ही बैठक से अभी भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत ली, एक बैठक किया, हमने अपनी कमजोरियों पर चिंतन किया 15 साल में, भाई हम 15 सीट में क्यों आए, आगे हमारी कार्य योजना क्या, स्वीकार करना कोई तकलीफ नहीं। एक बार बैठे, 2 दिन बैठे, उसमें इतनी हलचल, एक शब्द में 10 मंत्री मैदान में, तो आगे जब मैदान युद्ध बैटल फील्ड आएगा तो भूपेश बघेल जी तो सरेंडर पहले कर देंगे लगता है मुझको, जब असली हथियार निकाले जाएंगे तो पहले सरेंडर कर देंगे ऐसा मुझको लगता है।